हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत है। आज हम आपके लेके ले आए हैं सबसे बड़ी अपडेट, सीएससी की सबसे बड़ी अपडेट लेके आए हैं, वोटर आईडी कार्ड प्रिंट कैसे करें। वोटर आईडी कार्ड प्रिंट की सेवा सीएससी पर लाइव कर दी गई है। अभी सीएससी पे ये सेवा लाइव कर दी गई, इसके साथ में और भी सर्विस हैं जिनको भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हो, आप एक इमित्र चलाते हो या सीएससी वेली हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने पे भी आपको सारी चीज समझ में आएगी, क्योंकि मात्र 7 मिनट का वीडियो है, 6 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट का नहीं है, 6 मिनट का वीडियो। तो 6 मिनट में पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने पे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम इस पे डेली अपडेट लेके आते हैं, सीएससी से जुड़ी हुई, ई मित्र से जुड़ी हुई डेली अपडेट, योजनाओं से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलो हम चलते हैं और आपको बताते हैं क्या है वो अपडेट, सीएससी के माध्यम से कैसे प्रिंट करें। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलो दोस्तों, बताते हैं आपको कैसे ये स्कीम आपके सीएससी पे काम करेगी। तो सीएससी की स्कीम इलेक्शन सर्विस थ्रू सीएससी वोटर आईडी कार्ड प्रिंट। तो आइए जान लेते हैं, ये वीडियो आप पूरा देखें अगर आपको भी पूरी डिटेल चाहिए। तो सीएससी संचालकों के लिए बड़ी कुछ खबरी, सीएससी में इलेक्शन कार्ड की सर्विस को हर राज्य के लिए शुरू कर दी गई है। इसका ऑफिशियली बयान सीएससी एसपीवी के द्वारा दे दी गई है। तो आपको बता देते हैं आगे, और इलेक्शन सर्विस थ्रू सीएससी वोटर आईडी कार्ड प्रिंटिंग। अब ये कैसे काम करेगी तो आपको बता देता हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि आपके बहुत काम में आने वाली चीज़ है। ये सीएससी में शुरू कर दी गई है इलेक्शन कार्ड की सर्विस। इसको लेकर सीएससी एसपीवी ने ऑफिशियली बयान जारी करते हुए बताया कि उन्होंने हर राज्य के लिए इलेक्शन सर्विस और को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। यानी अब सीएससी संचालक अपने ग्राहकों को नया आवेदन, मतदाता पहचान पत्र में संशोधन, वोटर आईडी कार्ड पीवीसी प्रिंटिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान कर पाएगा, जिससे उन्हें कमाई का एक नया अवसर प्रदान होगा। तो चलते हैं, इलेक्शन सर्विस के अंदर मिलेगी कितनी सर्विसें। सीएससी के इलेक्शन सर्विस का लाइव होना बहुत ही बहुत बड़ी बात है। अब वेली के माध्यम से आम लोगों तक इलेक्शन की सारी सेवाएं पहुंच पाएगी, जिससे वे वोटर आईडी का, वोटर होने का सभी को हक मिल पाएगा। कितने कार्य मिलेंगे वेली को ये भी देख लेते हैं, आपको बता देते हैं साथ में। यहाँ नीचे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और नीचे कमेंट करें, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है वो ज्वाइन कर लें, और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ नीचे हमने आपको एक तस्वीर दिखाई है जिसमें सीएससी की वोटर आईडी कार्ड सर्विस के अंदर आती है। यानी यहाँ पर जितने काम दिखाए गए हैं वह सब आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर आपके सीएससी के माध्यम से कर पाओगे। जैसे इसमें दे रखा है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए विभिन्न देशों में वोटिंग आवेदन, और फॉर्म नंबर 6A है ये, और मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7A, और मतदाता सूची के विवरण में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन फॉर्म 8, मतदाता सूची में नाम स्थानांतरण के लिए आवेदन 8A, EPIC कार्ड की छपाई के लिए यानी प्रिंटिंग, ये है आपके वोटर आईडी कार्ड प्रिंटिंग, और ये आपके चेक ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन यानी स्टेटस चेक, और ये और चेक, यू आर डी कार्ड प्रिंटिंग, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, स्टेटस, आधार कार्ड फीडिंग, ये आपके, ये सारी सर्विसें आपको इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस सीधे इस पोर्टल पे आ जाओगे। आपके पास अगर सीएससी आईडी है तो आप ये प्रिंटिंग कर पाओगे, लेकिन सीएससी की एक ये भी है कि आपके पास ये प्रिंटर होना चाहिए, जो ये प्रिंटर है पीवीसी, ये प्रिंट होना चाहिए। अगर आपके पास अगर ये प्रिंटर नहीं है तो आप यहाँ पे सीएससी के कॉन्टेक्ट नंबरों पर कॉल कर सकते हो। किन राज्यों में चालू होगी इलेक्शन ये भी आप जान लो, किन किन राज्यों में चालू होगी, लेकिन ये सभी के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं आपको और बता देता हूँ। बता देते हैं कि ये सेवा सीएससी ने केंद्रीय स्तर पर शुरू किया है, यानी हर राज्य के लिए वेली को इलेक्शन सर्विस के अंदर कार्य करने का मौका मिलेगा। ये सेवा भारत के हर राज्य के लिए चालू कर दी गई है, यानी प्रत्येक राज्य के लिए चालू कर दी गई है। वोटर आईडी कार्ड प्रिंट आउट किस प्रकार से निकला जा सकेगा? अगर आपके पास पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग मशीन नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड प्रिंट आउट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड प्रिंटिंग मशीन होना जरूरी है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा, जिस वजह से केवल इसको प्रिंट वोटर आईडी पीवीसी मशीन के द्वारा करनी होगी। आप ये मशीन सीएससी के माध्यम से भी ले सकते हैं। मशीन लेने के लिए आप अब
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए सीएससी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। क्या वेली वोटर आईडी कार्ड को केवल डाउनलोड कर पाएगा? नहीं, वेली वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इस सेवा के अंदर केवल वोटर आईडी कार्ड प्रिंटिंग करने का ऑप्शन ही मौजूद होगा, जिसके लिए पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। सीएससी वेली कैसे करेंगे इलेक्शन सर्विस का काम? वेली को सबसे पहले अपने सीएससी आईडी के माध्यम से डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। फिर उसकी इसके अंदर सर्च बॉक्स के माध्यम से इलेक्शन सर्विस को ढूंढना होगा। जैसे ही उनको अपने राज्य की इलेक्शन सर्विस का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना है। इसके बाद वेली अपने ग्राहकों को इलेक्शन सर्विस की सेवाओं का लाभ दे पाएगा, इससे कुछ पैसे भी कमा पाएगा। अभी तक ये लाइव नहीं हुई है सीएससी पे, तो और डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक ये लाइव नहीं हुई है। जैसे ही लाइव होती है आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके और ये प्रिंट खरीद के और अपने ग्राहकों को ये प्रिंटिंग करके आप दे सकते हो, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और ऐसे ही अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करें और नई नई हम योजनाओं के बारे में नई नई सीएससी अपडेट इमित्रा अपडेट वीडियो लेके आते हैं, तो इस जरूर चैनल को आप अगर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ उसको शेयर कर दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।